दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में इनसाइड गूगल्स मैसिव हेडक्वार्टर्स। दोस्तों हमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हम सबसे पहले गूगल बाबा को याद करते हैं और यही कारण है कि आज गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपको इसी गूगल के हेडक्वार्टर के दर्शन करवा दें, जिनको देखकर वाकई में आप पूरी तरह से भौचक्के रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो वाकई में बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद माउंटेन व्यू नाम के शहर में गूगल का ये हेडक्वार्टर बहुत ही शानदार है। जो बाहर से दिखने में जितना क्लासिक है, अंदर से उतना ही शानदार, क्योंकि 26 एकड़ के एरिया में बने इस हेडक्वार्टर का नाम गूगल प्लेक्स है। हमें पता है इसका नाम सुनकर ही काफी लोग हैरान हो गए होंगे, भला हेडक्वार्टर का नाम ये कैसे हो सकता है। तो ये गूगल और कॉम्प्लेक्स शब्द को मिलाकर तैयार किया गया है। गूगल नाम तो कंपनी का है, लेकिन कॉम्प्लेक्स शब्द इसलिए इसमें जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर मौजूद चीजें वाकई में काफी जटिल हैं, जो इंसान के दिमाग को घुमा कर रख सकती हैं। दोस्तों ये लैंड डायनासोर के ऊपर बनी मूवी जुरासिक पार्क के क्रिएटर सिलिकॉन ग्राफिक्स से खरीदा गया, और जब ये हेडक्वार्टर बनाया जाना था तो सभी ये चाहते थे कि इसकी डिजाइनिंग किसी नॉर्मल ऑफिस की तरह ना हो। इसी वजह से साउथ अफ्रीकन आर्किटेक्ट क्लाइव विल्किंसन ने इस पूरे ऑफिसर को डिजाइन किया। इसी वजह से साउथ अफ्रीकन आर्किटेक्ट ओलाई विल्किंसन ने पूरे ऑफिस को डिजाइन किया क्योंकि उनका कहना था कि जब गूगल इतनी बड़ी कंपनी है तो इसमें काम करने वाले लोगों को भी बहुत काम करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें लगातार मोटिवेशन और टीम वर्क की जरूरत होगी, और वह सिर्फ तभी देखने को मिलेगी जब इसमें काम करने वाले लोगों को अच्छा ऑफिस एनवायरनमेंट मिलेगा। क्योंकि जब वर्कर अपने ऑफिस में बैठकर काम करे तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन महसूस होनी चाहिए। इसी वजह से गूगल हेडक्वार्टर में अधिकतर चीजें कलरफुल हैं, जो उनके माइंड को कूल और रिलैक्स कर रखती हैं। साथ ही साथ जगह जगह पर व्हाइट बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को कोई क्रिएटिव आइडिया आता है तो वो उसे तुरंत उसे नोट कर सकता है, क्योंकि गूगल में सारा काम क्रिएटिविटी का है और लोगों के अंदर की उसी क्रिएटिविटी को निकालने के लिए हेडक्वार्टर में हर एक संभव कोशिश की गई है। जहाँ कई सारी लॉबी में पियानो जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं ताकि किसी का भी मूड अगर म्यूजिक बजाने या सुनने का हो तो आराम से उसे एंजॉय कर सकें। और बेस्ट चीज ये है कि उनके द्वारा बजाए गए इंस्ट्रूमेंट की आवाज सिर्फ उन्हीं तक आएगी, और गूगल प्लेक्स को बनाते समय कई तरह के ग्लास भी उसमें लगाए गए हैं ताकि बिल्डिंग का लुक क्लासिक लगे और इसमें नेचुरल लाइट आती रहे। दोस्तों ये सब तो काम की बातें हो गई, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला एम्प्लॉय के लिए और भी कई सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि जिम एरिया, जो आपको अधिकतर ऑफिस में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिम एरिया के साथ साथ स्विमिंग एरिया भी है। अब हमें नहीं लगता कि भला ऐसा कौन सा गूगल एम्प्लॉय होगा जो काम करते करते स्विमिंग करने लग जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी का ऐसा मन करता है तो वो अपने ब्रेक टाइम में इसे आजमा सकता है। इसके अलावा इंडोर में खेले जाने वाले सभी गेम्स यहाँ पर मौजूद है, फिर चाहे वो टेबल टेनिस हो या स्नूकर। और हाँ, अगर आप वीडियो गेम के दीवाने हैं तो उसके लिए भी गूगल के हेडक्वार्टर में पूरी व्यवस्था की गई है, और अगर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से दूर हटकर अपने काम पर फोकस करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफी यूनिक तरह के पोर्ट बनाए जाते हैं जिस पर आप आराम से काम निपटा सकते हैं। इंडोर के बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन आउटडोर का क्या? क्योंकि कैलिफोर्निया का मौसम वाकई में काफी बढ़िया होता है, तो दोस्तों उसके लिए भी गूगल ने व्यवस्था बना के रखी है, क्योंकि यहाँ पर टेनिस से लेकर फुटबॉल तक हर तरह की गेम खेलने के लिए ग्राउंड बनाए गए हैं, और इन सब खेलों को खेलना बिल्कुल फ्री है। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिकल स्टाफ हमेशा उपलब्ध रहता है। पर जरा ठहर जाइए, क्योंकि गूगल कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर मसाज सर्विस से लेकर हेयर कट जैसी फैसिलिटीज भी देखने को मिलती है। और अगर किसी को कपड़े धुलने के लिए अपनी खुद की मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वो गूगल के ऑफिस में जाकर अपने कपड़े धो सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पर एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके द्वारा इस तरह की फैसिलिटीज भी दी गई है। और मेन ऑफिस से लेकर इस तरह की जगह पर पहुंचने के लिए आपको सबसे शानदार और बढ़िया गूगल की कलर साइकिल दी जाती है, ताकि आप इस साइकिल पर चलते हुए आराम से पूरे हेडक्वार्टर का टूर कर सकें। गूगल में काम करने वाले लोगों के ऊपर वर्कलोड से ज्यादा उन्हें इनकी क्रिएटिविटी निखारने का मौका दिया जाता है, और इसी वजह से वहां पर एग्रीकल्चरल एरिया भी है जहां पर लोग नेचर से जुड़ सकें और उसके बारे में जानकारी ले सकें। और गूगल में काम करने की सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर किसी को भी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाता
कि वो केवल अपने डेस्क और टेबल पर बैठकर ही अपना कार्य करे, अगर वो चाहे तो बाहर जाकर खुले एरिए में भी अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कई बार रिसर्च वगैरह में पाया गया है कि लोग आसमान के नीचे बिल्कुल खुले में किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, जो चीज़ इंडोर एरिया में काम करने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होती है, और गूगल भी इस बात को पूरी तरह से मानता है। इतना कुछ बताने के बाद अब आइए यहाँ के खाने पर, क्योंकि गूगल अपने स्टाफ मेंबर्स को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम का खाना फ्री में प्रोवाइड करवाता है, वो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। जी हाँ, यहाँ पर काम करने वाले लोगों को खाने से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, उन्हें बेस्ट क्वालिटी का खाना गूगल की तरफ से मिलता है, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और अच्छे तरीके से काम करके कंपनी को और ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचा दे। यहाँ तक कि गूगल के पहले लीडर शेफ चार्ली के द्वारा बनाए गए खाने के यहाँ के लोग दीवाने हैं। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि गूगल के इस हेडक्वार्टर के बारे में जानकर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों गूगल में काम करने वाले लोगों को इतना खुशकिस्मत समझा जाता है। अब आपका गूगल हेडक्वार्टर के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर नई वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।